नमस्कार दोस्तों, मेरी राम अग्रवाल हमारी YouTube चैनल डायरेक्ट क्लासेस स्टडीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीएच स्केल के बारे में है। हमारा ये वीडियो है वो अंत तक देखिए, आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन कौन सी पीएच वैल्यूज होती है, किसमें क्या क्या पीएच वैल्यू होती है, और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे फल फ्रूट होते हैं जो उसके अंदर कौन कौन से पीएच होते हैं, वीडियो देखिए। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए बनाया गया है। इसके अलावा लास्ट में हमने बहुत 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 जरूरी पर्सन है वो आपके लिए इंक्लूड किया है, जो एग्जाम टाइम में कम से कम 10-10 बार रिपीट हो चुकी है पर्सन, वो हम लोगों ने आपके लिए इसमें लिए हैं वीडियोस। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारा इसके पहले वाला वीडियो एसिड और बेस वाला अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखिए, जिसमें आपको अम्ल व क्षार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आप लोगों के लिए इसमें शामिल। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल दोस्तों, मैंने हमारे पिछले वीडियो में एसिड बेस वाले चैप्टर टॉपिक में आप लोगों को पीएच स्केल एसिड और बेस के बारे में बताया था कि हम किस तरह से एसिड और बेस का पता करते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। आज हम ये पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको एसिड और बेस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, अम्ल व क्षार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल, पीएच स्केल वह स्केल, ये जो आप देख रहे हो ये पीएच स्केल है, वह स्केल जो मैं एसिड और बेस के स्ट्रॉन्ग या उसके वीक होने के बारे में बताता है उसको पीएच स्केल कहा जाता है। तो पीएच स्केल के अपन अंदर देखते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है, जिसे इसको पीएच नाम दिया गया है। पी, पीएच स्केल के अंदर होता है पी, पी का मतलब होता है पोटेंज, POTANZ, पोटेंज। पोटेंज क्या है? पोटेंज जर्मन वर्ड है, एक ये जर्मन वर्ड है। पोटेंज का मतलब होता है पावर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पावर, पावर किसकी? पावर हाइड्रोजन की, पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल से मैं किसका पता चलता है? हाइड्रोजन की पावर का पता चलता है। तो दोस्तों एक स्केल जो मैं हाइड्रोजन की पावर के बारे में बताती है उसको हम कौन सी स्केल कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल में मैंने आपको बताया पी है वो पोटेंज होता है, जिसका मतलब, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पावर, किसकी पावर? हाइड्रोजन की पावर। तो हाइड्रोजन की पावर को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। इस स्केल की खास बात होती है, हम इस स्केल में ऊपर जाते हैं तो एसिड वो क्या होता रहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो हमारा क्या आता रहता है? आता रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको अपन बोलते हैं प्रबल अम्ल भी कहते हैं इसको। इसके अलावा जब हम नीचे जाते हैं, इसके अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता रहता है। बेस क्या होता रहता है? हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहता है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि ये हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताता है। तो इसमें हाइड्रोजन की पावर के बारे में कैसे? कि ये 7-7 नंबर है, यहाँ पे न्यूट्रल होती है कोई भी चीज, ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। 7 से ऊपर जाते हैं हाइड्रोजन H+ आयन, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, वो बढ़ते रहते हैं, और 7 से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होता रहता है और हाइड्रोक्साइड आयन, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन का उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है, इस वजह से जो बेस है वो क्या होते रहता है? स्ट्रॉन्ग होता रहता है। दोस्तों ये हमारा जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट एसिड और बेस है वो लिख रखे हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आते रहते हैं। जैसे हमारा पहला है 1.2, अगर पीएच वैल्यू 1.2 आती है किसी भी एसिड की तो वो पीएच वैल्यू 1.2 है तो वो HCl होती है, जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, हमारे पेट के अंदर होता है। हम आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि हमारा पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सेक्रेट करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा एक वीडियो है डाइजेशन वाला, उसके अंदर आप देख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सेकेंड नंबर पे आता है 2.2, जो लेमन नींबू का होता है, सब लोग जानते होंगे नींबू सिकंजी बनाते हैं, पानी में डालते ही नींबू अच्छे से घुल जाता है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होती है? 2.2 होती है। इसके अलावा अपना आता है 5.5, दांत का गलना, मतलब टिथ डीके। अगर हमारे मुंह की पीएच है, हमारे बेसिकली मुंह का जो पीएच वैल्यू है, जो हमारा मुंह का एसिडिक वैल्यू है वो 6.5 होता है, लेकिन जब ये वैल्यू 5.5 से कम होने लग जाती है तो हमारे दांतों के ऊपर जो एनामल आता है वो एनामल धीरे धीरे गलने लग जाता है, डीके होना शुरू हो जाता है। 5.6 पीएच, अगर हमारे जो बारिश का पानी है इस पानी का पीएच है वो 5.6 से कम होता है तो हमारे उस बारिश को एसिड रेन कहा जाता है, अम्लीय वर्षा
कहा जाता है। पीएच नंबर 7, आप जानते हो हम घरों में हमारे नमक वगैरह काम में लेते हैं, तो हमारे उस साधारण नमक का जो पीएच है वो कितना होता है? 7 होता है। और ये बनता कैसे है नमक, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये NaCl बनता कैसे है? जब स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो नमक बनता है हमारे घरों में, साधारण नमक। दोस्तों अगर आपने हमारा अम्लक व क्षार वाला वीडियो लास्ट नहीं देखा है तो कृपया उसको जरूर देखिए। कैसे बनता है, जब हम NaOH, ये होता है प्रबल क्षार जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जब ये HCl प्रबल क्षार है वो प्रबल अम्ल के साथ में, स्ट्रोंग बेस है वो स्ट्रोंग एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है हमारा NaCl जिसको अपन बोलते हैं साधारण नमक, और दूसरा बनाता है हमारा H2O। दोस्तों अगर हमारे हमने एसिड और बेस वाले टॉपिक में बताया है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन से हमारा NaCl बनता है। दूसरा हमारा जो खून होता है, हमारी बॉडी में जो रक्त होता है उसका पीएच होता है 7.4, ये हमारा एकदम बिल्कुल न्यूट्रल उदासीन नहीं होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच वैल्यू होती है 10, ये पीएच वैल्यू 10, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या आखिर? कभी कभी हमारे पेट के अंदर आपको पता है दर्द वगैरह होने लग जाता है, हमें गुड़गुड़ पेट में होती है, तो एक्चुअल में वो होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो बढ़ जाता है, और जब HCl बढ़ जाता है तो हमारे पेट के अंदर दर्द होने शुरू हो जाता है। तो इस दर्द को कम करने के लिए हम लोग MgOH2 लेते हैं जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो आप लोग, या इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहा जाता है। तो इसको जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपके पेट में राहत मिलती है, आप लोगों को बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है। इसके बाद में लास्ट में आता हमारा 14 नंबर पे, 14 वाले को बोलते हैं NaOH कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये एक प्रबल क्षार है, ये कॉस्टिक सोडा हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह काम आता है, जैसे साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री जो पेपर उद्योग होते हैं उनमें काफी जगह पे हमारे कॉस्टिक सोडा है वो काम आता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पीएच वैल्यू का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि पीएच है वो हमारे डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे कि पीएच वो डेली लाइफ में बहुत जगह पे काम आता है, हमारी स्टमक में काम आता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, टांटियाँ वगैरह, जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती है, जो डंक वगैरह मारती है, उनके अंदर भी एसिड ही होता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक जो पौधा उसका तो नाम ही नहीं सुना होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नीटल। जो ये नेटल का पौधा है वो एक प्राकृतिक पौधा है, और जो ये पौधा है ये अपनी सुरक्षा के लिए एसिड वगैरह को रिलीज करता है। तो मैं थोड़े से आज फल फ्रूट इनके एसिड के बारे में बात करता हूं कि कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड होता है। जैसे अपना था टार्टरिक, टेमरिंड का मतलब होता है इमली, टेमरिंड का मतलब क्या होता है इमली, टी से टेमरिंड, टी से टार्टरिक, टार्टरिक एसिड, जो हमारी टेमरिंड इमली है, टी से टेमरिंड, टी से टार्टरिक। तो टेमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। इसके अलावा हमारा देखा था विनेगर, विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और विनेगर को अपन क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, सिरका, क्या बोलते हैं इसको अपन, सिरका बोलते हैं। इसके अलावा हमारे जो दही वगैरह आता है, कर्ड जिसको बोलते हैं, कर्ड, कर्ड का मतलब क्या हो गया, दही, इसके अंदर कौन सा एसिड आता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आता है। इसके अलावा जो दोस्तों हमारे दही के अलावा जो हमारे टांटिया होता है जिसको येलो मास्टर कहा जाता है, ये जो मैंने अभी आपको एक नीटल का पौधा बताया था, इस पौधे के अंदर ये जो हमारी चींटी आती है, एंट आती है, ब्लैक कलर की एंट आती है, ये जो हमारे आते हैं इनके अंदर भी कई सारे प्रकार के एसिड होते हैं। पहले अपन बात करते हैं, एक हमारा होता है ऑरेंज वगैरह होते हैं, तो ऑरेंज वगैरह के अंदर किस तरह का एसिड होता है, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, हमारे साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। अब देखो ऑरेंज, ऑरेंज को अपन क्या बोलते हैं, संतरा, सैसे संतरा, सैसे साइट्रिक एसिड। तो इस तरह से इनको सरल तरीके से याद रखे, संतरा, संतरा, सैसे संतरा, सैसे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा जो हमारे अभी मैंने आपको बताया डंक, किस किस के डंक, लाल चींटी का डंक होता है और एक टांटिया जिसको येलो मास्टर बोलते हैं, इन दोनों के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, कौन कौन सी, एक तो रेडेंट,
रेड एंड, एक तो रेड एंड, एक हमारा येलो मास्टर, येलो मास्टर जिसको क्या कहा जाता है, टांटिया कहा जाता है, टांटिया कहा जाता है। और इसके अलावा एक हमारा आता है स्कॉर्पियन, जिसको बिच्छू कहा जाता है, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है, बिच्छू। और जो एक हमारा ये बिच्छू होता है, इस बिच्छू, इन तीनों के अंदर एक ही एसिड होता है, और उस एसिड का क्या नाम है हमारा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इनके अंदर, सबके अंदर कॉमन एसिड होता है, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा एक नीटल का पौधा होता है, और एक हमारी काली वाली चींटी होती है, उनके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। एक होता है हमारा नीटल, नीटल, और एक होता हमारी ब्लैक एंट, ब्लैक एंट काली वाली चींटी होती है। इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। तो अपन ने कौन कौन से पढ़े, टेमरिंड, टार्ट्रिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड, ऑरेंज, साइट्रिक एसिड, रेडेंट, येलो मास्टर या स्कॉर्पियन, फॉर्मिक एसिड, नीटल, ब्लैक एंट और मेथेनोइक। इस नीटल और ब्लैक एंट होता है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैं और इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में बात करता हूँ, आप लोगों ने अगर ये नहीं लिखा तो लिख लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं थोड़ा सा, जो हमारे दही वगैरह की थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा दही है, ये जो दही है, ये दही है वो होता कैसे, इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हिंदी में बोलते हैं इसको लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसको कहा जाता है। ये बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इसका लेक्टो से क्या नाम पड़ा है, लैक्टिक एसिड नाम पड़ा है। और दही की जो क्वांटिटी है लैक्टोबैसिलस जीवाणु में, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, यंत्र काम में लिया जाता है, उसको लैक्टोमीटर कहा जाता है, लैक्टोमीटर इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऑरेंज जो सिट्रिक एसिड है, ये जितने भी हमारे सोर फ्रूट्स, सोर फ्रूट्स का मतलब हो गया खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि हमारे, मैं बात करता हूं अंगूर की, संतरे की, तो इन सब के अंदर हमारा होता है ये होता है। इसके अलावा देखो दोस्तों, एक मैं आपको बताना भूल गया, वो है टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, टी ओ एम ए टी ओ ओ, ओ से कौन सा एसिड बनता है, ओ एक्स आई एल आई सी, ऑक्सिलिक एसिड। तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है दोस्तों। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एसिड थे, और ये हमारी पीएच स्केल थी, जो इससे एग्जाम रिलेटेड में, एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हर बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो तीन क्वेश्चंस वो आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं अपन बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की। तो चलो हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो इस टॉपिक में से 7% 9% निकल के आते हैं हमारे लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, आचार जिसको सिरका या विनेगर भी कहा जाता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, आचार कौन सा एसिड होता है इसके अंदर, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है हमारा आचार के अंदर। दूसरा हमारा कच्चा आम, रो मैंगो जिसको कहा जाता है, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, रो मैंगो। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, आम वगैरह वो कहां पे होते हैं, फार्म में होते हैं, तो फार्म से कौन सा एसिड बनता है, फार्म से फॉर्मिक एसिड बनता है। तो इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है इसके अंदर। फार्म किससे बनाइए, फार्म से बनता है फॉर्मिक एसिड, किससे बनता है, फॉर्म। आम कहां पे लगता है, फॉर्म में लगता है, तो फॉर्म से कौन सा एसिड बन गया हमारा, फॉर्मिक एसिड बन गया। इसके अलावा HCl का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पेट के अंदर जो जठर रस होता है, जिसको अपन बोलते हैं HCl बोलते हैं, हमारे पेट वाली HCl, उसका तो मान होता है 1.2, लेकिन जो हमारे एक्चुअल में जो HCl होता है, उसकी पीएच वैल्यू है वो 1.5 से लेके 3.5 तक होती है। 1.2 भी कई बार पूछा जाता है, वो भी सही है, जिसको अपन जठर रस बोलते हैं, और 1.5 से 3.5 है, ये भी आप कर सकते हो अगर एग्जाम में, दोनों ऑप्शन है तो आपको जो बेटर ऑप्शन लगे, या तो ये ऑप्शन आएगा दिया हुआ, यही ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा पीएच कितना कम होने पर एसिड ड्रेन होती है, तो दोस्तों 5.6 से कम होने के ऊपर हमारा पीएच, 5.6 से कम होने पर हमारे अम्लीय वर्षा होती है। इसके अलावा ब्लड, रक्त, रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4, एक्चुअल में यह है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, लेकिन हम एवरेज ले तो 7.4 वो हमारे रक्त का पीएच मान होता है। इसके अलावा दोस्तों, स्टमक की अम्लता या एसिडिटी को दूर करने में सबसे उत्तम उपाय क्या है,
जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, हमारे स्टमक में कभी कभी पेन वगैरह आता तो हम इनो लेते हैं ना इनो, तो वो इनो है उसके अंदर यही आता है MgOH2, इसको मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पीएच मान कितने से कम होने पर दांत गलना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे मुंह में 5.5 से कम होने पर पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांत है वो गलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएच में पी का अर्थ क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना इनको। पीएच में पी का अर्थ क्या है, पी का मतलब होता है पोटांज, पोटांज पोटांज का मतलब होता है पावर, और ये जो पोटांज है ना POTANZ पोटांज है, ये आप लोगों का जर्मन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है पोटांज, जिसका मतलब क्या होता है पावर। इसके अलावा पीएच स्केल में प्रबल अम्ल होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल में प्रबल अम्ल होता है, क्वेश्चन दिया हुआ था 4, 6, 1 और 3, और कई मेरे दोस्त लोग हैं प्रबल का मतलब सोचते हैं वैल्यू ज्यादा होने का मतलब प्रबल होता है, बिल्कुल गलत, जो वैल्यू अम्ल की जितनी वैल्यू कम होगी वो हमारा क्या होगा प्रबल अम्ल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो होता है, तो प्रबल अम्ल क्या होगा 1, लेकिन ये चीज है वो हमारे बेस में अप्लाई नहीं होती है, बेस के अंदर वैल्यू बढ़ेगी तो ही प्रबल क्षार होगा, बेस में अगर वैल्यू कम है तो वो प्रबल क्षार नहीं है, तो एसिड और बेस में ये चीजें दोस्तों उल्टे क्रम में होती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो H+ आयन है वो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बढ़ते रहते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो H+ आयन है वो हमारे कम होते रहते हैं, तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये नो इंपॉर्टेंट पर्सन है और इनसे बाहर डेफिनेटली मैं श्योर हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।